चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरिलेशन के लिए मतलब कोवेरियंस देखा था। ठीक है, कोवेरियंस किस तरीके से निकाला जाता है, कोवेरियंस में क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में क्या करी थी, आई होप स्टडी कर लिए थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीज़ हम जब स्टडी कर चुके हैं, तो आप मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आई होप आपने किए होंगे। देखो, कोवेरियंस में हमने क्या बोले थे, को मतलब दो, दो या दो से ज़्यादा, तो दैट इज कॉल्ड एज दो वेरिएबल्स का वेरियंस निकालना, दोनों को ज्वाइन कर देना। तो पहले हम क्या करते थे, एक्स माइनस एक्स बार निकालते थे, फिर हम क्या करते थे, वाई माइनस वाई बार निकालते थे, फिर दोनों को क्या कर देते थे, ज्वाइन कर देते थे। मतलब एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और दोनों का समेशन और डिवाइडेड बाय एन। ये बंद करना ना प्लीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते थे, कोरिलेशन कोवेरियंस निकालते थे। तो आपको एक और चीज मैंने यहाँ पे बताई थी कि जो कोवेरियंस है, दैट इज कोवेरियंस इज यूज टू कैलकुलेट कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारा कोवेरियंस क्या होता है, यूज होता है। तो कोवेरियंस इज यूज टू कैलकुलेट दी कोरिलेशन। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे ये था कि सर कोवेरियंस जो है वो हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में भी, बट जो कोरिलेशन है वो माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में ही हो सकता है। सो कोवेरियंस इसीलिए कैलकुलेट करा जाता है ताकि हम उसकी मदद से कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में, यानी वेरियंसेस निकाल लेंगे, तो वेरियंसेस निकाल के दो वेरिएबल्स के बीच में क्या निकाल ले, दो वेरिएबल्स के वेरियंस निकाल ले, तो उसकी मदद से हम क्या निकाल पाए, कोरिलेशन निकाल पाए। सो इफ यू रिमेंबर कोरिलेशन का फॉर्मूला, ठीक है, तो कोरिलेशन के फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई साहब कोरिलेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कोरिलेशन दैट मीन्स छोटा आर, कोरिलेशन दैट मीन्स छोटा आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आई एम अगेन रिपीटिंग, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मतलब आप पहले वेरियंसेस का जॉइंट वेरियंस निकाल लो, जॉइंट वेरियंस को आप दोनों के रिक्स से क्या कर लो, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो आपका कोरिलेशन निकल जाएगा। तो यार ये आई होप ये आपने ये करी होंगी। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये करा होगा, ये जो क्वेश्चंस थे इन क्वेश्चंस के अंदर हमने ये चीज को निकालना था। ठीक है सर, आप भी एक बार आंसर वेरीफाई करवा दो, करवा देता हूँ। पहला वाला ये होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन, इसके अंदर आर निकालने को बोला था, करवा देता हूँ। बट मैं स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेटर पर निकालने वाला हूँ। सर हमको नहीं आती, तो नालायक हो फिर तुम लोग, तुमको कैसे नहीं आती, अपन कहाँ पे पढ़े हुए डिटेल में ऑलरेडी, उसको हमने डिटेल में ऑलरेडी उसको पढ़े हुए हैं, कहाँ पे बोलो, डिस्पर्शन में, तो आपको तो आनी चाहिए। सो बेसिकली आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। सो कोवेरियंस इज प्लस 36। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स की कितनी आएंगी, निकाल लेते हैं कितना है उसका, 30 मीन, तो 10 माइनस 30 इंटू इज इक्वल्स टू 20 माइनस 30 इंटू इज इक्वल्स टू 30 माइनस 30 इंटू इज इक्वल्स टू 50 माइनस 30 इंटू इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30 इंटू इज इक्वल्स टू, ठीक है, जी टी डिवाइडेड बाय 5, 14.14 आया मेरा, तो 14.14 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू y का भी निकाल लेते सर, 14 माइनस 19 मीन है, x माइनस एक्स बार इंटू इज इक्वल्स टू स्क्वायर आ गया, 18 माइनस 19 इंटू इज इक्वल्स टू 20 माइनस 19 इंटू इज इक्वल्स टू 21 माइनस 19 इंटू इज इक्वल्स टू 22 माइनस 19 इंटू इज इक्वल्स टू जी टी डिवाइडेड बाय 5, 2.8 समथिंग आ रहा है मेरा यहाँ का स्टैंडर्ड डेविएशन, 2.83 ले ले रहा हूँ मैं उसको, राउंड फिगर में 2.828 आ रहा है। ठीक है, सो मेरा इसका कोरिलेशन आ रहा है पॉजिटिव 0.9, कितना आ रहा है 0.9, तो आर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव फॉर 0.9। अब किसी को यहां पे ऐसा लगता है कि सर ये फास्ट हो गया, मैं बोलता हूँ तुम गधे हो इसलिए तुमको ऐसा लगा है, अब तुमको बुरी लगेगी मेरी बात कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। नालायक को, ये चीज़ हमने यहाँ पे कोवेरियंस पूरे लेक्चर लगाया है इसके ऊपर, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर हमने पूरे लेक्चर्स लगाए। ठीक है, तो अब वही फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो ये पास कैसे हो सकता है, कोरिलेशन आ जाएगा आपका। तो
प्लस 0.9 का मतलब क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि भाई जो कोरिलेशन है दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ कम होते हैं, और दोनों के बीच में एकदम 100% एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है कि जितने से ये बढ़ेगा उतने से ये बढ़ेगा, जितने से ये कम होगा उतने से ये कम होगा, लेकिन यस बहुत ज्यादा हद तक रिलेशन है क्योंकि 0.9 मतलब ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही है। ठीक है, क्लियर? ये आपने निकाल लिए होंगे, नहीं निकाले होंगे तो आंसर टैली करना और छाप लेना, नहीं तो फिर अब इसका आर निकाल लेते हैं। इसका भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, मतलब मैं चाहता तो मैं कल भी करा सकता था, मेरे लिए 5 मिनट का काम था ये, इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। मैं पर चाहता हूँ कि पहले आप लोग ट्राई करें, ट्राई करने के बाद ही मैं कुछ कुछ करवाऊँ, क्योंकि ट्राई अगर आप लोग नहीं करोगे ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पहले खुद से, तो वो कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। सो मेरा कोवेरियंस है -97.80। इससे मेरे को ये तो चीज़ क्लियर होगी कि मेरा कोवेरियंस अगर 97 माइनस में है तो मेरा कोरिलेशन भी ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा, मतलब जो रिलेशन रहेंगी वो क्या रहेंगी, इनवर्स ही रहेंगी। ठीक है, सो मेरा कोवेरियंस है -97.80। अब मेरे को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 - 17 × = 12 - 17 × = 18 - 17 × = 15 - 17 × = 30 - 17 × = gt/5। ये आ गया मेरा 7. चेक कर देना एक बार, हाँ 7.04। क्लियर, 17.04। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इंटू इसका निकालेंगे 40 - 33.40 × = 80 - 33.40 × = 20 - 33.40 × = 12 - 33.40 × = 15 - 33.40 × = gt/5 22.25.26। एक बार ये चेक कर लेना, कैलकुलेशन में हो सकता है गलती मेरे से भी हो जाए, बट 90% तो सही है। इनटू 7.04 कुछ इसका मेरा आंसर आ रहा है, आर इज इक्वल्स टू 0.-0.549 आ रहा है, मैं उसको 5.5 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, -0.549 आ रहा है, बट मैं उसको 5.5 क्या कर लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ। दैट मीन्स इट इज सिंपल कि -0.55 का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब ये नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर, आई होप को रिलेशन इज ऑल्सो क्लियर विथ कोवेरियंस। तो दिस इज नथिंग बट छोटा इज वॉट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दिस फॉर्मूला इज फॉर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो यस सर नो। तो सर इतने सारे फॉर्मूले दिए हुए सर, इसका क्या करेंगे सर, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। अरे नालायक हो, यहाँ फॉर्मूला बाजू वाला देखो। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, समेशन एक्स वाई देकर रखा, समेशन एक्स वाई मतलब एक्स, छोटा एक्स मतलब एक्स माइनस एक्स बार, बड़ा एक्स मतलब छोटा वाई मतलब वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ पे इसने क्या करा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसने यहाँ पे क्या निकाला, पहले कोवेरियंस निकाला और बाद में अल्टीमेटली वही करा, तो वही फॉर्मूले में यहाँ पे इसने कोवेरियंस लिख दिया, यहाँ पे कोवेरियंस ना लिखते हुए इसने ये वैल्यूज लिख दिया। दिख रहा है बराबर? अब अगर ये सारी चीजें है, मतलब यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मूले भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है एक्स, ये याद नहीं करने कुछ भी, अल्टीमेटली बता रहा हूँ, समेशन एक्स छोटा एक्स वाई अपॉन एन। ठीक है,
और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ छोटा एक्स का समेशन का स्क्वायर अपॉन एन। तो एन एन गॉट कैंसल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर वाला ले लिया इसने यहाँ पे और ये ले लिया यहाँ पे, और ऐसे ही इंटू क्या कर दिया वो, मतलब एन एन को उसने क्या कर दिया, हटा दिया। बट याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ये फॉर्मूले, ठीक है। क्यों नहीं याद रखना है भाई साहब, क्योंकि इससे काम हो जाएगा, चाहे आप पीजीएन बोल लो, चाहे ये डेरी, ये सब मेथड्स बोल लो, कोई नीड नहीं इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखने की। मैं 100% बोल रहा हूँ इसमें से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोले यस सर नो, दिस मेजर इज नोन एज पियर्सन्स, मतलब कार्ल पियर्सन ने निकाला था, इसलिए इसको पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। प्रोडक्ट मूवमेंट फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी बोला जाता है, एज इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट मूवमेंट ऑफ अराउंड मीन एंड टू सीरीज, टू मीन की दो सीरीज के ऊपर बेस्ड होता है, इसीलिए कोवेरियंस मेथड से यूज होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कोरिलेशन, बट अभी कोरिलेशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू हुआ है, अभी तो कहानी चालू हुई है। तो आई होप फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। तो सर एक ही फॉर्मूला याद रखो याला, ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला हमेशा फिट रहे और पेपर में आप इसको सॉल्व कर सको। तो कोवेरियंस आपको निकालना आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको निकालना आता है, बात खत्म। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से इन फॉर्मूलेस को देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाल के आपको दे रहे हैं घुमा फिरा के, ठीक है। वो घुमा फिरा के वही सब कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कोवेरियंस वाला फॉर्मूला ही पेपर में यूज होना चाहिए और वही होगा, तो आप टेंशन मत लेना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कोरिलेशन की जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दिस आर व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब जो आर है, छोटा आर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो डिग्री एंड डायरेक्शन, इट समराइजेस वन फिगर, दैट फिगर्स इट समराइजेस इन वन फिगर, जो डिग्री और डायरेक्शन को है वो एक समराइज छोटे से फिगर में ला के दे देती है, प्लस पॉइंट वन, प्लस पॉइंट टू, प्लस पॉइंट फाइव, प्लस पॉइंट ये, प्लस पॉइंट वो, ठीक है। तो एक छोटे से फिगर में वो लाके आपको क्या कर देती है, आंसर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये डिग्री और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किसका, कोरिलेशन का, कोरिलेशन का डिग्री और डायरेक्शन। डिग्री भी मतलब नंबर, पॉइंट फाइव आया, पॉइंट फोर आया, दैट इज डिग्री। डायरेक्शन मतलब प्लस है तो पॉजिटिव रिलेशन, माइनस है तो निगेटिव रिलेशन। रेंज ऑफ वैल्यूज, रेंज ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि जो आर है, जो छोटा आर है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है भाई साहब, ये माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में ही हो सकता है, मतलब जो छोटा आर है दैट इज माइनस वन से या प्लस वन के बीच में ही हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इसकी रेंज कहाँ तक है। परफेक्ट निगेटिव कब रहेगा, जब वो माइनस वन रहेगा, परफेक्ट पॉजिटिव कब रहेगा, जब वो प्लस वन रहेगा। तो इसकी रेंज जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो वो जो रेंज है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही ऑलवेज रहेंगी। मतलब अगर इसके अलावा आपका कोई आंसर आ रहा है माइनस टू, माइनस फाइव, प्लस टू, प्लस फाइव, इस तरीके के आंसर आ रहे, तो भाई आपने कुछ गलत करे, ठीक है। कोवेरियंस का ही आंसर आ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी आंसर नहीं आ सकता। नो कोरिलेशन इफ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, जो दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में, तो जीरो हो सकता है, ठीक है। मेरे बाल और आपके जूते के नंबर, इसके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है। वी कैन जस्ट से दैट देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम, अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप विच मे एग्जिस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय स्कैटर डायग्राम्स। अब ये थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला तो आपको पता है कि नो कोरिलेशन किसको बोलते हैं, अब थोड़ा सा और एक नया पॉइंट आया, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब ये क्या चिड़िया का नाम है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इट इज प्योर नंबर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब क्या हो गया भाई साहब, मतलब ये हो गया भाई साहब कि जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ रहा है, सपोज वो माइनस वन आ रहा है, माइनस पॉइंट फाइव आ रहा है, माइनस पॉइंट टू आ रहा है, प्लस पॉइंट टू आ रहा है, प्लस प्लस 0.5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो आपका माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो वो जो नंबर आपका आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब वो कोई इसके साथ मेजरमेंट नहीं है कि माइनस वन के जी, माइनस वन किलोमीटर, इस तरीके से नहीं है। तो देर इज नो मेजरमेंट यूनिट फॉर दिस, क्योंकि ये रिलेटिव मेथडोलॉजी है ना। तो रिलेटिव मेथडोलॉजी में तो हम पहले ही बोलते हैं कि जो आंसर निकल के आता है दैट आंसर इज नॉट इन एनी मेजरमेंट। तो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब जो भी आप आंसर निकालोगे, प्लस वन या माइनस वन, कुछ भी आप निकालो, तो ये चीज अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रख लेना कि जो आंसर आएगा दैट इज फ्री फ्रॉम यूनिट, ठीक है। इट इज अ प्योर नंबर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, दस इट इज यूनिट फ्री। ये जो है भाई साहब, ये क्या है, यूनिट फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कोरिलेशन। द वर्ड इज परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, सो भाई साहब परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब होता है प्लस वन और माइनस वन, दैट इज कॉल्ड इज परफेक्ट। जब आर प्लस वन है तो परफेक्ट पॉजिटिव, और माइनस वन है तो परफेक्ट नेगेटिव।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है कि वाई प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेन बी इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब बेसिकली आपका आंसर सिंपल से बताओ तो माइनस में आ रहा है तो पॉजिटिव, सॉरी माइनस में आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस में आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल सर इसमें भी है क्या? हाँ इसमें भी है। इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए होल्ड पे डालता हूँ, अभी मिनट समझ में नहीं आएंगे इतनी जल्दी से, इसको अलग से करते हैं। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए होल्ड पे डालता हूँ। रिलेटिव मेजर, इट इज़ अ रिलेटिव मेजर एसोसिएटेड विद टू वेरिएबल्स। वी ऑल नो दैट कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज अ रिलेटिव मेजर नॉट अ एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, तो मतलब अगर दो वेरिएबल जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उनके यूनिट्स अलग अलग भी है तो भी आप उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ज्योमेट्रिक मीन, थोड़ा सा एक नया पॉइंट आया जो बेसिकली आपको रिग्रेशन में ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे मैं उसको बारे में बोला इसलिए मेरा बताना फर्ज बनता है। इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। बेसिकली सुनना ध्यान से, ये थोड़ा सा रिग्रेशन वाली पार्ट से इसके अंदर, ये बी वगैरह जो है ये रिग्रेशन के पार्ट से, बट यहाँ पे थोड़े बहुत आते हैं, वहाँ पे आपको और क्लियर होंगे। तो बी एक्स वाई जिसको हम बोलते हैं, या बी वाई एक्स हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ये दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं। जब हम इसके बाद वाला चैप्टर रिग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हम पढ़ेंगे। तो वो बोलता है कि ये जो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, अगर आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, जैसे एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया बी वाई एक्स, तो सिंपली आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालने का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या लगा दो, रूट लगा दो, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। सो यस वी कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑल्सो। सो दिस बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। क्या है उसके बारे में डिटेल में, बहुत डिटेल में एनालिसिस हम रिग्रेशन में करेंगे। ठीक है, तो बी एक्स वाई या बी वाई एक्स इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सो इफ यू फाइंड आउट अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यू कैन इजीली फाइंड आउट कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी वाई एक्स, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, उसका ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? तो सर इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि भाई ये डिग्री और क्या फाइंड करता है, डिग्री और डायरेक्शन फाइंड करके देता है, माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में हो सकता है, जो नो कोरिलेशन भी एग्जिस्ट करता है जब आर इज इक्वल टू जीरो हो, यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, जब आर इज इक्वल टू प्लस वन है तो परफेक्ट है कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव है, आर इज इक्वल टू माइनस वन है परफेक्ट निगेटिव है। ठीक है, इस तरीके से। ये आर एक्स वाई वाई एक्स हम ये बाद में देखेंगे, इसमें टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट की मदद से हम निकाल सकते हैं, रिलेटिव मेजर है, दैट्स इट। अभी कुछ के कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं कि लीनियर रिलेशनशिप मान के चलता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिलेशनशिप स्टडी करता है, कॉस्ट एंड इफेक्ट मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आप सेल्फ भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ जितना पढ़े ना सेम सी क्यू आपको जम जाएंगे। ठीक है, अब पेपर में ना ये थोड़े से कुछ अलग टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, देर इज अ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल इन एक्स एंड वाई, दैट इज यू इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वी एंड वी इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, देन साइन ऑफ बी एंड डी सेम रही तो क्या होगा, अपोजिट रही तो क्या होगा, थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन है वही स्केल, मतलब प्लस या माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, ओरिजिन मतलब प्लस या माइनस हो रहा है, स्केल मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, ओरिजिन मतलब प्लस या माइनस हो रहा है, तो है वही। लेकिन अब जैसे हम पहले डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन या इन सब की बातें करते थे, यहाँ पे ये चीज़ से हमको रिलेटेड बातें करनी है, किससे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, किससे बातें करनी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। ठीक है, बहुत जोरदार, मतलब बहुत इजी एंड बहुत जोरदार है, लेकिन दो पार्ट्स में ये आपको दिया गया है, और वो दो पार्ट्स है, इफ देर इज अ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल ऑफ ओनली एक्स या ओनली वाई देन क्या होगा, इफ देर इज अ चेंज इन ओनली वाई या ओनली एक्स तो फिर क्या होगा। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं ध्यान से, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आई रिक्वेस्ट ध्यान देंगे। इफ देर इज
अ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल और बोथ इन ओनली इन ओनली वन वेरिएबल दैट इज इट मे बी ओनली एक्स और ओनली वाई। हेडिंग ही मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिखी ताकि याद रहे, इट मे बी ओनली एक्स, इट मे बी ओनली वाई। साहब अब ये क्या है ध्यान से सुनना सर, क्या होता है ना, जैसे हमारे पास अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमारे पास या तो x रहता था या तो y रहता था, ठीक है। यही x का हम क्या निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज या मीन मीडियन मोड, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, मतलब ये सिंगल x का ही हमारा क्या रहता था, वेरिएबल रहता था, और इसी का हम क्या निकालते थे, वो निकालते थे, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या बोलते थे कि ए एक्स के अंदर कुछ चीज़ें या तो प्लस हुई है या तो कुछ चीज़ें क्या हुई है माइनस हुई है, या कुछ चीज़ें ऐड हुई है या तो कुछ चीज़ें क्या हुई है माइनस हुई है, किसके अंदर ही, इस एक्स के अंदर ही, ठीक है। तो फिर आपका आंसर किस तरीके से निकाला जाएगा, यानी अगर मैं एक्स के अंदर प्लस टू कर दूं तो एक्स का मीन क्या हो जाएगा, तो एक्स का मीन भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्लस टू हो जाएगा। बट अब यहाँ पे बात क्या है ना, यहाँ पे बात ऐसा नहीं है कि एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे बात क्या है ना, यहाँ पे एक्स भी है, यहाँ पे वाई भी है, यहाँ पे एट ए टाइम दो वेरिएबल है, और इन दोनों वेरिएबल की मदद से इनका आर एक्स वाई निकाला जा रहा है। सर आर एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, सर ये जो आर एक्स वाई दैट इज नथिंग बट आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जो आर एक्स वाई है दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बेसिकली यहां पे एट ए टाइम एक वेरिएबल नहीं है, तो जो आर एक्स वाई आया है, ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया है वो अकेले एक्स की वजह से नहीं आया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, या ना अकेले वाई की वजह से आया है, ठीक है। तो वो दोनों को, दोनों की मदद से वैरायंस निकाल के, दोनों की मदद से वो जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो निकल के आया है। बट अब समटाइम्स प्रॉब्लम इसमें क्या हो जाती है कि हम लोग क्या कर देते हैं, समटाइम्स इसमें एक्स में चेंज कर देते हैं सिर्फ, या सिर्फ हम वाई में चेंज कर देते हैं। तो मतलब हो सकता है कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक्स में चेंज ला लिए, या हमने सिर्फ यहाँ पे वाई में चेंज ला लिए, तो एट ए टाइम हम इसमें एक ही वेरिएबल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो बोलने का मतलब है, सपोज मेरा 10, 20, 30, 40, 50 ये सीरीज है, इधर है 50, 40, 30, 80, 100। तो अब मैंने क्या बोला आपको, से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन ओनली एक्स, सिर्फ हम एक्स की ही ओरिजिन या स्केल को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मतलब वी आर चेंजिंग ओरिजिन एंड स्केल ऑफ ओनली एक्स एंड ओनली एक्स। सो बिकॉज ऑफ दैट चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल इन ओनली एक्स, वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन आर एक्स वाई, यानी हमने पहले ये एक्स और वाई की मदद से आर एक्स वाई निकाले, तो आर एक्स वाई जो निकाले हमने उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उसके ऊपर जो आर एक्स वाई हमने निकाले, इस आर एक्स वाई का ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा, काय का, इस आर एक्स वाई का ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा, किस चीज का, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्स की ओरिजिन या स्केल क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये एक बात होगी, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम ओनली वाई की ओरिजिन या स्केल चेंज कर रहे हैं, दोनों में एक ही बात है, तो उसकी वजह से इस आर एक्स वाई पे क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा। सो बोलने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि एट ए टाइम हम दोनों में नहीं, दोनों पे एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक ही वेरिएबल के ऊपर क्या करते हैं, दोनों पे सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर क्या करते हैं, चेंज लाते हैं, और दूसरा वेरिएबल वैसे का वैसी रहने देते हैं। मतलब जब सिर्फ मैंने y की ओरिजिन और स्केल चेंज करी, तो y के अंदर जो नंबर है उसी में से कुछ प्लस या माइनस करा है, ओरिजिन और स्केल चेंज करी है, x तो जो पहले था वैसे का वैसा ही है, मतलब यहाँ पे ये 50, 40, 30, 80, 100 ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी ओरिजिन या स्केल चेंज हो रही है, बट ये 10, 20, 30 या 50 ये सेम रहेगा। तो पूछता ये है वो उसकी वजह से कि इफ अगर आपने सिर्फ x में या सिर्फ आपने y में, दोनों में से सिर्फ एक में एट ए टाइम अगर आपने क्या करे है, ओरिजिन या स्केल चेंज करी है, तो उसकी वजह से जो नया वाला x और y बनेगा उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहेगा वो क्या आएगा, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहेगा वो क्या आएगा। सर बेसिकली हम इसमें क्या बोल देते हैं, बेसिकली हम इसमें बोल देते हैं, जब हम आर एक्स वाई रखते हैं, ठीक है,
सो हम आरा सपोज आर एक्स वाई है 2, तो हम आपको पूछ लेते हैं आर यू वाई क्या हो जाएगा। इसको आप आर यू वाई भी बोल सकते हैं या आप इसको न्यू आर एक्स वाई भी बोल सकते हैं। अब तुम्हारे लिए चीजें समझ में आना चालू होगी, ध्यान से सुनो। अब मैं बात कर रहा हूं आर एक्स वाई और आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज योर आर यू वाई या व्हाट इज योर न्यू आर एक्स वाई। यू कैन से दिस न्यू आर एक्स वाई ऑल्सो और यू कैन से दिस आर यू वाई। अब सर ये यू बीच में कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां पे क्या हुआ है, जो मेरा एक्स वाई था ठीक है उसके अंदर से जो मेरा एक्स था उसको मैंने यू बना दिया बाय चेंजिंग द ओरिजिन एंड स्केल। या तो मैंने चेंज किया ओरिजिन को या मैंने चेंज किया स्केल को या मैंने ओरिजिन और स्केल दोनों क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मेरा जो एक्स है वो क्या बन गया, यू बन गया। मेरा जो एक्स है वो यू बन गया बट मेरा जो वाई है वो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो मेरा वाई है वो वाई का वाई ही रहा। मतलब क्या करा, वापस से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, मेरा जो एक्स वाई सीरीज थी ठीक है, एक्स वाई सीरीज का मतलब क्या हो गया, एक्स भी दिया हुआ है वेरिएबल, वाई भी दिया हुआ है वेरिएबल, दो वेरिएबल्स दिए हुए, अब उसके अंदर मैंने एक्स को क्या बना दिया, यू बाय चेंजिंग दी ओरिजिन और स्केल या दोनों ठीक है। अब मेरा जो वाई है ठीक है, अब मेरा जो क्या है वाई है वो वाई का वाई रहा, मतलब उसके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया है। तो पेपर में आपको पूछ सकते हैं इसकी वजह से कि भाई ये जो आपने एक्स चेंज करा तो इसकी वजह से आपका आर यू वाई क्या होगा, व्हाट इज आर यू वाई, तो जो आर एक्स वाई ये एक्स वाई की मदद से निकला था वैसे ये यू वाई की मदद से आर यू वाई निकल जाएगा। तो अब वो पूछेगा कि ये ओरिजिन और स्केल चेंज करने से ओनली एक्स में आपके आर यू वाई पे क्या इम्पैक्ट गया, ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपने आपका आर एक्स वाई है, ये एग्जाम्पल्स हैं, वो सपोज है 5, तो आपको पूछ लेंगे आपका आर एक्स वी क्या है। अब आर एक्स वी या न्यू आर एक्स वाई ठीक है, तो ये आपका आर एक्स वाई 5 है, आर एक्स वी मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो एक्स वाई था ठीक है वो, और यहाँ पे जो क्या था यानी आपका एक्स वाई था वो क्या बन गया है एक्स वी, मतलब क्या हुआ है एक्स तो एक्स ही रहा बट आपने वाई को क्या बना दिए है, इसकी ओरिजिन और स्केल चेंज करके वी बना दिए है। समझा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हाँ या ना। तो हमको क्या करना है, हमारे को यही चीज निकालना सीखना है कि वेन वो हम ओनली वन वेरिएबल क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जब हम आर एक्स वाई से आर यू वी निकालने की बात कर रहे हैं, या हम आर एक्स वाई से आर यू वी निकालने की बात कर रहे हैं, या हम आर एक्स वाई से सॉरी माय मिस्टेक आर एक्स वाई से हम यू वाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या हम आर एक्स वाई से आर एक्स वी निकालने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो हमारे को पहला ये पढ़ना है, एक जहाँ पे ओनली एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा इसके अंदर ये एक पढ़ना है हमारे को, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर दूसरा हमारे को इसके अंदर ये पढ़ना है सेकेंड इफ देर इज अ, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब है पूरी वही लाइन, है वही लाइन, इफ देर द चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल और बोथ इन ओनली की जगह यहां पे आ जाएगा इन बोथ वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इफ देर इज अ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल और बोथ इन बोथ वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई बोथ, तो बेसिकली हम क्या बोलने का मतलब हो रहा है कि जो आपका एक्स वाई है, बेसिकली जो आपका आर एक्स वाई है
ठीक है। तो आपका सपोज आर एक्स वाई दिया जा रहा है 5 7 2 6, ठीक है। तो आपको बोल रहा है आर यू वी निकालने की कोशिश करो, बताओ। या आप इसको आर यू वी बोल सकते हैं आप, या इसको न्यू आर एक्स वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा कि जो मेरा एक्स वाई है, ठीक है, यहां पे मेरा एक्स क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, और मेरा वाई जो है वो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। यहां पे भी ओरिजिन और स्केल चेंज हो रही है, और यहां पे भी ओरिजिन और स्केल चेंज हो रही है, मतलब यहां पे दोनों चेंज हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में एक एक तरीके का प्रॉब्लम हमको ये भी देखना है कि जहां पे बोथ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल, मतलब एक्स भी और वाई भी दोनों वेरिएबल की स्केल और ओरिजिन क्या कर दी जा रही है, चेंज कर दी जा रही है। ओनली एक्स नहीं, एक्स और वाई दोनों की स्केल क्या कर, ओरिजिन क्या कर दी जा रही है, चेंज कर दी जा रही है। जैसे आपने यहां पे देखी कि हम सिर्फ एक चेंज कर रहे हैं, यहां पे हम दोनों चेंज करेंगे, क्लियर। तो बेसिकली इन दोनों के फॉर्म में हमारे को क्या करना है, ये पढ़ना है। आई होप मैंने ये क्लियर आपके किया होगा। अब निकालना कैसे है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ मैंने आपकी बहुत हद तक क्लियर करी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चैप्टर में यही है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोलता है, देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अरे सर, इसका मतलब हो गया ये स्केल और ओरिजिन से दोनों से क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। हाँ नहीं होता है, तो सर फिर आप ऐसा क्यों बता रहे हो, बताऊंगा क्या रीज़न है। मतलब ये तो क्लियर हो गया पहली चीज़ में कि जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ना ओरिजिन ना स्केल, दोनों से इसको अफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब आप ओरिजिन चेंज कर दो, स्केल चेंज कर दो, उसमें कोई फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है। तो फिर सर ये पढ़ी क्यों रहे, कारण है बताता हूँ। श्रद्धा सबूरी, साई बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। सस्पेंस बरकरार रहेगा, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई इससे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। वंस ये खत्म हो गया तो फिर इसके बाद तो फिर चिल्लर चिल्लर है, प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर, डिटर्मिनेशन, रैंक, ये वो हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।